बड़ी ही दुखद खबर बाड़मेर से आपको दिखा रहा हूँ। बाड़मेर में पिछले 24 घंटों में अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 महिलाएं हैं और 2 युवक हैं। सबसे पहली घटना जो है वो बाड़मेर के सिंदरी चौराहे पर फ्लाईओवर कल शाम को एक सेना के ट्रक के नीचे मोटरसाइकिल आ गई थी, जिसमें 2 युवाओं की दर्दनाक मौत मौके पर हो गई थी। उसके बाद उनके शव को बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय स्थित मोर्चरी लाया गया और उनका पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। इसके बाद पूरे सरली गांव में गम का माहौल है। उनके परिजन, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, सभी लोग मोर्चरी पहुँचे हैं। इसी प्रकार दूसरी घटना बाड़मेर के सदर थाना क्षेत्र के खेत सिंह के प्याऊ के पास की है, जहां पर एक भाई बहन मोटरसाइकिल से बाछड़ाऊ से बाड़मेर की तरफ आ रहे थे और चलती मोटरसाइकिल से बहन किसी कारणवश नीचे गिर गई और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद सदर पुलिस मौके पर पहुंची और सब को बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय लाया गया है। और तीसरी जो घटना है वो बाड़मेर ज़िले के नागाना थाना क्षेत्र के डूंडा गांव की है, और डूंडा गांव में एक विवाहिता ने अपने पियर में घर के आगे बने टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली और उस विवाहिता का विवाह 2 वर्ष पहले ही बोड़वा गांव में हुआ था। और बड़े दुख की बात यह है कि उस विवाहिता के एक 8 माह का बच्चा भी है। उस बच्चे को छोड़कर विवाहिता ने टांके में कूदकर आत्महत्या कर दी। और बड़ी बात यह है कि आज विश्व आत्महत्या निषेध दिवस है, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या निषेध दिवस पूरे विश्व में इस दिन को इस रूप में देखा जाता है। लेकिन इसी दिन इस प्रकार की घटना होना बाड़मेर के लिए दुखद बात है। और इसके अलावा जो कल जैसलमेर में घटना हुई थी, जिसमें 5 लोगों की सेना के ट्रक से टक्कर से मौत हुई थी, वो लोग भी बाड़मेर के थे, तो बाड़मेर के लिए पिछले 24 घंटे बहुत ही दुखदाई हैं और इसमें बड़ी दुखद घटनाएं घटित हुई हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस अधिकारियों से बात करेंगे। नागाना थाना अधिकारी लील सिंह बाटी से बात करके पूरे घटनाक्रम के बारे में जानेंगे और उसके बाद बाड़मेर कोतवाल राम प्रताप सिंह से बात करके पूरे घटनाक्रम के बारे में जानेंगे। मिगरी कहाँ का मामला है और क्या घटनाक्रम? ये करिश्मा पुत्री छगनलाल है, उम्र 21 साल है और शादी को 2 साल आदर्श टुंडा की, जो अपने पियर आई हुई थी और वहाँ कल शाम के समय टांके में आत्महत्या की। सर क्या कितने साल हुए? और परिजना ने रिपोर्ट दी है, दोनों ही पक्ष यहाँ मौके पर हैं और रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम जाँच SDM साहब बाड़मेर द्वारा की। थैंक यू। ओके, कल शाम को सड़क दुर्घटना हुई थी, कहाँ हुई थी और कौन लोग थे, क्या करते? कल शाम को 7:15 बजे के आसपास सिंदरी चौराहे के पास स्थित फ्लाईओवर जो है NH का, उसके ऊपर सेना के वाहन और सामने से गलत दिशा में आ रही बाइक का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें बाइक सवार 2 युवक की मृत्यु हो गई। उनकी शिनाख्त जो है मदन सोनी 27 वर्ष और नरेश 21 वर्ष निवासी सरली के रूप में हुई है। और घटना के संबंध में मृतक के भाई श्री रामाराम की तरफ से जो रिपोर्ट पेश हुई है उसमें हमने प्रकरण पंजीकृत किया है और मामले की जो है वो मेरिट के अनुसार जाँच कर सबका सर पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है, उसके पश्चात अग्रिम कानून।